ओके बच्चे लोग चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चे लोग, लास्ट क्लास में हम लोग बहुत अच्छे होंगे आप लोग, ये सब बात अब हम नहीं बोलते क्योंकि बहुत बात कर ली है। तो लास्ट क्लास में हम लोग लेबलिंग तक पढ़े थे, प्राइसिंग का फैक्टर्स पढ़े थे, आज हम लोग प्लेस के बारे में पढ़ेंगे कि प्लेस क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेस क्या होता है, प्लेस किसको बोलते हैं, प्लेस से रिलेटेड बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्लेस क्या होता है, आपको हम पढ़ाए थे कि मार्केटिंग मिक्स के हिसाब से मार्केट के चार एलिमेंट है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। आज हम बात करने वाले हैं प्लेस के बारे में कि भैया ये प्लेस क्या होता है। तो प्लेस एक ऐसा जगह है, अरे जिसको आप लोग लोकल भाषा में मार्केट कहते हो, जिसको आप लोग लोकल भाषा में मार्केट कहते हो उसी को हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट में प्लेस कहते हैं। तो भैया प्लेस क्या होता है, प्लेस एक ऐसा जगह जहां पे क्या होता है, मिलन किसका, बायर और सेलर का। तो मार्केट इज द प्लेस जहां पे मिलते हैं कौन, बायर और सेलर। तो व्हाट इज प्लेस, तो मार्केट इज द प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट टुगेदर टू कैरी आउट द बिजनेस ट्रांजेक्शन। प्ले मार्केट एक प्लेस है, और प्लेस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा जगह जहां पे बायर और सेलर मिलते हैं। तो एक मार्केटिंग मैनेजमेंट में प्लेस का एक बहुत इंपॉर्टेंस है। यू नीड अ प्लेटफॉर्म, आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर बायर सेलर से मिलेंगे, बायर सेलर से सामान बेचेंगे, क्योंकि बायर सेलर का घर में नहीं जाएगा और सेलर बायर के घर में जाना पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, आज के जमाने में होम डिलीवरी का सुविधा उपलब्ध है। तो प्लेस का मतलब हम आपको बताएं कि प्लेस सिंपली रेफर्स टू द प्लेटफॉर्म वेयर द मीटिंग बिटवीन बायर एंड सेलर टेक्स प्लेस। अब अगला बात क्या है, हम लोग देखिए अगला बात क्या है, अगला बात का ये है, प्लेस का डेफिनेशन तो हम लोग पढ़ लिए। अच्छा, उसके बाद अगला बात है कि प्लेस, देखिए एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्लेस रेफर्स टू द सेट ऑफ डिसीजन दैट नीड टू बी टेकन इन ऑर्डर टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल। प्रोडक्ट को अवेलेबल करने के लिए जो डिसीजन लेते हो वो प्लेस में आता है। If the products are not made available to the customers at the right place at the right time, then the customer would not be able to buy them. आप प्रोडक्ट बना लिए, प्रोडक्ट बनाने से तो नहीं होगा, प्रोडक्ट को बनाने के बाद प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना भी तो पड़ेगा। तो प्रोडक्ट को बनाने के बाद कस्टमर तक पहुंचाने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्लेस, और प्लेस से रिलेटेड जो डिसीजन होगा उसको बोलेंगे प्लेस मिक्स। प्लेस का मतलब समझ लिया, प्लेस मिक्स रेफर्स टू ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द प्लेस वेयर टू सेल द प्रोडक्ट, एट विच प्लेस टू सेल द प्रोडक्ट। ये डिसीजन जब आप लेते हो इसे हम लोग प्लेस कहते हैं। ये प्लेस की कैटेगरी प्लेस मिक्स कहलाता है। प्लेस से रिलेटेड सुनिए, जनरली जब हम लोग प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इसको प्लेस को फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। अगर कोई पूछेगा प्लेस का दूसरा नाम है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोडक्ट को फिजिकली पहुंचाना कहां पे, तो इसीलिए प्लेस बोलिए चाहे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलिए, बात बराबर है। तो प्लेस का मतलब तो समझ गए होंगे, जहां पर हम लोग को सामान भेजना है। अगला टॉपिक हम लोग का प्लेस मिक्स पढ़ लिए। चैनल्स, सुनिए जब भी हम सामान बेचने जाते हैं तो सुनिए, बायर और सेलर के बीच में, हम तो बोल दिए बायर और सेलर के बीच में बहुत सारे लोग होते हैं, बायर और सेलर के बीच में बहुत सारे लोग होते हैं, उन लोगों को बोलते हैं चैनल्स। आपको क्या लगता है, आप मोदी दुकान में जाते हैं सामान खरीद लेते हैं और लेके आ जाते हैं? ऐसा नहीं है दोस्त। कभी भी जब आप प्रोडक्ट का बेचेंगे उसके लिए कुछ स्पेसिफिक चैनल होते हैं, स्पेसिफाइड चैनल्स होते हैं। तो चैनल्स का मतलब होता है हर वो मीडियम जिसके थ्रू सेलर अपना प्रोडक्ट को बायर तक पहुंचाता है। तो चैनल रेफर्स टू द इंटरमीडियरीज, चैनल रेफर्स टू द मिडलमैन, चैनल रेफर्स टू दोस पीपल हु हेल्प टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल फ्रॉम सेलर टू बायर, इसको बोलते हैं लोग चैनल। ये वाला बात आप समझ गए। अब देखिए चैनल दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट चैनल और एक होता है इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल और इनडायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट चैनल। भैया डायरेक्ट चैनल का मतलब बताइए ना, डायरेक्ट चैनल का मतलब व्हेन द प्रोडक्ट्स आर डायरेक्टली सोल्ड टू द बायर विदाउट यूजिंग द इंटरमीडियरी। बीच वाला कोई नहीं है, मिडिलमैन कोई नहीं है, डायरेक्ट प्रोडक्ट को सेलर से लेकर के बायर तक भेज दिए। सो व्हेन यू सेल योर प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द सेलर टू बायर दैट इज नोन एज डायरेक्ट चैनल, एंड व्हेन यू यूज द इंटरमीडियरीज, व्हेन यू यूज द मिडिलमैन दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट चैनल। तो डायरेक्ट चैनल क्या होता है, व्हेन देयर आर नो इंटरमीडियरीज। डायरेक्ट चैनल क्या होता है, जब सेलर से बायर के बीच में कोई ना हो उसको डायरेक्ट चैनल बोलते हैं। और इनडायरेक्ट चैनल क्या होता है, व्हेन देयर आर इंटरमीडियरीज इन्वॉल्वड बिटवीन सेलर एंड बायर, बायर और सेलर के बीच में जब इंटरमीडियरी होता है उसको हम लोग इनडायरेक्ट चैनल बोलते हैं। मतलब अगर सेलर से बायर को डायरेक्ट भेज देंगे तो वो डायरेक्ट चैनल हो गया। डायरेक्ट चैनल का दूसरा नाम है जीरो लेवल चैनल, याद रखिएगा। ऑथेंटिक क्वेश्चन में पूछेंगे, आज लेक्चर में पूछेंगे जीरो लेवल चैनल। और इनडायरेक्ट चैनल का मतलब व्हेन द गुड्स आर सोल्ड
When the products are distributed using the intermediaries, that is known as indirect channel. जब प्रोडक्ट को यूज करके इंटरमीडियरी को यूज करके आप प्रोडक्ट को बेचते हो, इसे हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट चैनल। तो बच्चे लोग क्या सीखे, बच्चे लोग ये सीखे कि डायरेक्ट चैनल क्या होता है, जीरो लेवल चैनल क्या होता है और इनडायरेक्ट चैनल क्या होता है। ये हम लोग यहाँ पे सीखे कि डायरेक्ट चैनल क्या होता है और इनडायरेक्ट चैनल क्या होता है। इनडायरेक्ट चैनल में भी बहुत सारे चैनल है, वन लेवल चैनल, टू लेवल चैनल, थ्री लेवल चैनल। भैया वन लेवल चैनल मतलब जैसे देखिए मैन्युफैक्चरर जो है वो होलसेलर को दिया और होलसेलर जो है वो रिटेलर को दिया। तो जब मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में एक आदमी आ गया तो इसको बोलते हैं वन लेवल चैनल। मतलब जब एक मिडिल मैन होगा, जब एक मिडिल मैन होगा तो वन लेवल चैनल, दो मिडिल मैन होगा तो तीन लेवल, दो टू लेवल चैनल, तीन मिडिल मैन होगा तो थ्री लेवल चैनल। तो लेवल का मतलब क्या होता है, अगर सेलर और बायर के बीच में कोई नहीं है मतलब जीरो लेवल चैनल और डायरेक्ट चैनल। अगर सेलर और बायर के बीच में कोई है मतलब इनडायरेक्ट चैनल। अब उसमें भी क्या होता है, इट मे बी 1%, इट मे बी 2% और इट मे बी 3%। अगर सेलर और बायर के बीच में एक इंटरमीडियरी है उसको वन लेवल चैनल बोलेंगे, अगर सेलर और बायर के बीच में दो इंटरमीडियरी है तो उसको टू लेवल चैनल बोलेंगे, और अगर सेलर और बायर के बीच में तीन इंटरमीडियरी है इसको थ्री लेवल चैनल बोलेंगे। समझ रहे ना आप? तो अगर मान लीजिए सेलर और बायर के बीच में एक आदमी होगा तो वन लेवल चैनल, दो आदमी होगा तो टू लेवल चैनल, तीन आदमी होगा तो थ्री लेवल चैनल। बात समझ रहे ना? तो आप देखोगे कि सेलर और बायर दो आदमी तो बिजनेस में होगा ही, उसके अलावा कितना आदमी है, उसके अलावा अगर एक आदमी हुआ तो उसको वन लेवल चैनल बोलिएगा, दो आदमी हुआ तो टू लेवल चैनल बोलिएगा, तीन आदमी हुआ तो थ्री लेवल चैनल बोलिएगा, एंड सो ऑन। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार पढ़ के सुनाते हैं आपको क्या लिखा है नोट्स में। देखिए जब आपको बुक मिल जाएगा तो ये चीज भी हम लोग लिखना स्टार्ट कर देंगे। देखिए प्लेस मिक्स रेफर्स टू इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। प्रोडक्ट को बेचने से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिसीजन उसको हम प्लेस मिक्स बोलते हैं। चैनल लेवल्स, दो तरह के चैनल है, एक है जीरो लेवल चैनल, एक है इनडायरेक्ट चैनल। जीरो लेवल चैनल के बारे में ब्लैंक लिखा हुआ ना, ब्लैंक लिखा होता है जब बुक आप लोग एक दो दिन में मिल जाएगा, जो लोग पेमेंट कर दिए, जो लोग नहीं किया लोग कर देना, बुक आप सभी को मिल जाएगा। तो जब यस्टरडे का बुक मिल जाएगा तो इसमें आपको लिखवा देंगे हम। आप क्या लिखोगे इस ब्लैंक में, इस ब्लैंक में आप लिखोगे कि जीरो लेवल चैनल रेफर्स टू द चैनल व्हेन देयर आर नो इंटरमीडियरीज, व्हेन देयर आर नो मिडिलमैन। और उसके बाद इनडायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट चैनल रेफर्स टू द चैनल व्हेन देयर आर इंटरमीडियरीज, इट कैन बी वन लेवल चैनल, टू लेवल चैनल और थ्री लेवल चैनल। यह हम आपको फोटो भेज देंगे, आप लिख लेना। तो इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लिए, प्राइस के बारे में पढ़ लिए, प्लेस के बारे में भी पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रमोशन के बारे में। आज का जो पीडीएफ आपको भेजे हैं वो हम लोग प्रमोशन के ऊपर है, प्रमोशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखिए प्रमोशन का मतलब क्या होता है, प्रमोशन का मतलब क्या होता है। देखिए प्रमोशन एक टेक्निक है, प्रमोशन एक तरीका है जिस तरीका के थ्रू हम लोग कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। आपको एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए मेरे बात को समझिएगा, पतंजलि इज अ नेचुरल प्रोडक्ट, आपको कौन बोला बताइए? पतंजलि इज द नेचुरल प्रोडक्ट, आपको कौन बोला दोस्त? टीवी में देखे आप। लक्स ब्यूटी सोप सुंदरता का राज, आपको कौन बोला दोस्त? टीवी में देखे। बस मैं कहना डव सॉफ्ट त्वचा के लिए, आपको कौन बोला दोस्त? टीवी में देखे। माउंटेन ड्यू डर के आगे जीते, आपको कौन बोला दोस्त? टीवी में देखे। व्हाट डज इट मीन? इट मींस प्रमोशन इज द प्रोसेस, प्रमोशन एक तरीका है, प्रमोशन एक टेक्निक है, प्रमोशन एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग कस्टमर के पास जाते हैं, कस्टमर के हमको प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। अगर टीवी पे एडवर्टाइज नहीं होता तो शायद हमको और आपको पता भी नहीं चलता कि पतंजलि बोलियों के प्रोडक्ट भी। अगर टीवी के स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट नहीं होता तो हमको और आपको पता नहीं चलता कि कॉम्प्लेन पीने से आदमी का हाइट बढ़ जाता है। बस समझ लेना। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जस्ट ड्यू टू प्रमोशन एक्टिविटीज, तो प्रमोशन एक्टिविटीज वी केम टू नो अबाउट द प्रोडक्ट। प्रमोशन का मतलब क्या है? प्रमोशन एक ऐसा प्रोसेस है जब एक बिजनेसमैन कल अपने कस्टमर को अलग अलग तरीका यूज करके प्रोडक्ट के बारे में समझाता है, प्रोडक्ट के बारे में बताता है और वो कोशिश करता है कि उसका प्रोडक्ट बिक जाए। टीवी पर अगर पतंजलि का एडवर्टाइजमेंट वो कर रहे हैं तो वो इसलिए एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे कि मेरा प्रोडक्ट ना बिके। तो प्रमोशन मतलब हर वो एक्टिविटी, हर वो प्रोसेस जिसके थ्रू आप कस्टमर के पास जाते हो, कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में समझाते हो और कस्टमर को प्रोडक्ट बेच करके आ जाते हो। द प्रमोशन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स कंसर्न विद एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकिंग टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर। हर वो एक्टिविटी जो हम लोग करते हैं कस्टमर को कम्युनिकेट करने के लिए एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू एनहांस द सेल ऑफ द फर्म।
भाई फॉर्म का, भाई बिजनेसमैन का, सेल को बढ़ाने के लिए आप जो भी टेक्निक यूज करते हो, जिन टेक्निक से कस्टमर के पास जाते हो, जिन टेक्निक से कस्टमर को बताते हो, ये होता है प्रमोशन मिक्स। इसे कहते हैं प्रमोशन करना प्रोडक्ट का। फिर यहां पे प्रमोशन मिक्स का मतलब क्या हुआ, सेम चीज, मिक्स मतलब डिसीजन। तो ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द प्रमोशन इज नोन एज प्रमोशन मिक्स। All the important decision related to the promotion is known as promotion mix. Promotion से related जितने important decision होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, promotion mix, promotion mix. It refers to all the decision related to promotion for the sale of product and service. The important decision of promotion are selecting advertisement media. Promotion वाले लोग क्या करते हैं, सोचते हैं हम advertise करेंगे, कैसे advertise करेंगे, paper में करेंगे, मान लीजिए TV पे करेंगे, radio पे करेंगे, तो उसका medium को चुनना। सेलेक्टिंग प्रमोशनल टेक्निक, मेरा टेक्निक क्या होगा प्रमोशन करने का, यूजिंग पब्लिसिटी मेजर्स, कैसे अपना प्रोडक्ट को पॉपुलर करेंगे, तो इन सब चीजों के बारे में जब आप सोचते हो ना, इन सब चीजों से रिलेटेड जब आप डिसीजन लेते हो ना, इसको प्रमोशन मिक्स कहते हैं। तो प्रमोशन मिक्स रेफर्स टू ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू प्रमोशन। अब देखिए प्रमोशन के आपसे पूछेगा एग्जाम में कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स, प्रमोशन मिक्स के कितने एलिमेंट है। देखिए प्रमोशन मिक्स के चार एलिमेंट है, मतलब अपना सामान को प्रमोट करने के लिए, अपना सामान को, चाहे मेरा गुड्स है चाहे मेरा सर्विस है, हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, हमको अपना कोचिंग को पॉपुलर करना है, उसके लिए ये प्रमोशन हो गया, हमको प्रमोशन करना होगा। तो प्रमोशन करने का बहुत सारा तरीका है, क्या क्या तरीका प्रमोशन करने का है, तो मेनली चार तरीका। पहला एडवर्टाइज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइज, सुना सुना लग रहा है। दूसरा सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं। तीसरा पर्सनल सेलिंग। चौथा पब्लिसिटीज। फिर से बोलिए भैया, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, सेल्स प्रमोशन कर सकते हो, पर्सनल सेलिंग कर सकते हो, या पब्लिसिटी कर सकते हो। भैया एडवर्टाइजमेंट का मतलब बताइए, बताएंगे तो ये चारों के बारे में हम लोग डिटेल में आप पढ़ेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज का पहला टॉपिक हम लोग आज एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट किसको बोलते हैं। चलिए एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपको पढ़ाते हैं। देखिए कोई भी एडवर्टाइजमेंट का एग्जाम्पल दीजिए। देखिए टीवी के स्क्रीन पर आलिया दीदी आती हैं, आलिया दीदी मतलब आलिया भट्ट, टीवी के स्क्रीन पर आलिया भट्ट आती हैं और आ करके अपना प्रोडक्ट के बारे में, लक्स साहूवाली, मान लीजिए हम लक्स कंपनी का मालिक है, तो आलिया भट्ट टीवी के स्क्रीन पर आती है, लक्स कंपनी के बारे में बताती है और वो चली जाती है, ये है एडवर्टाइजमेंट। बट सवाल यह है कि एडवर्टाइजमेंट का डेफिनेशन क्या होगा, सुनिए। बोला गया है कि एडवर्टाइजमेंट इज पेड नॉन पर्सनल, लैंग्वेज सुनिएगा पहले, एडवर्टाइजमेंट इज पेड नॉन पर्सनल रिप्रेजेंटेशन अबाउट द प्रोडक्ट। मतलब एडवर्टाइजमेंट पेड होता है, एडवर्टाइजमेंट नॉन पर्सनल होता है, और एडवर्टाइजमेंट में प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बताते हैं, एडवर्टाइजमेंट पेड होता है। पेड कैसे, आलिया भट्ट अगर टीवी के स्क्रीन पर आकर के लक्स साबुन के बारे में बता रही है तो क्या वो पैसा नहीं लेगी। अगर अक्षय कुमार को हम बुलाते हैं और बोलते हैं सर मेरा कोचिंग का एडवर्टाइज करिए, तो क्या वो हमसे पैसा नहीं लेंगे, दोस्त वो पैसा लेंगे। मतलब एडवर्टाइजमेंट हमेशा पेड होता है, क्या होता है, पेड। दूसरा चीज नॉन पर्सनल, भैया नॉन पर्सनल मतलब एक बात बताइए, अगर टीवी के स्क्रीन पर आलिया भट्ट कहती है लक्स ब्यूटी सो सुंदरता का राज, तो क्या आलिया भट्ट आपको बोल रही है, क्या आलिया भट्ट पर्सनली आपको बोल रही है कि नहीं प्लीज बाबू मेरा साबुन लगाओ ना। अगर थम्सअप का बॉटल लेकर के सलमान खान टीवी के स्क्रीन पर कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर वो टीवी के स्क्रीन पर कहते हैं कि मेरा चल के आगे जीत है, सॉरी तो ऋतिक रोशन कहते हैं, अगर ऋतिक रोशन मान लीजिए माउंटेन ड्यू का बॉटल लेकर के कहते हैं डर के आगे जीत है, तो या वो कैसे तो आपको बोल रहे कि नहीं प्लीज बाबू मेरा 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 सेवन अप पीजिए, मेरा स्प्राइट पीजिए, मेरा माउंटेन ड्यू पीजिए ना, ऐसा कोई बोलता है क्या, नहीं ना बाबू। क्यों वो इसलिए नहीं बोलते हैं ना, क्योंकि वो नॉन पर्सनल है। नॉन पर्सनल मतलब एडवर्टाइजमेंट कभी भी पर्सनल, पर्सन टू पर्सन नहीं हो सकता। आप पूरा भूल जाइए, आप एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए अभी एडमिशन स्टार्ट हुआ, अब हम क्या किए, कोचिंग का पोस्टर पूरा बॉन्डल गेट एरिया में मार दिए। अगर पूरा बॉन्डल गेट लोकैलिटी में कोचिंग का पोस्टर्स मार दिए, तो उस पोस्टर में लिखा हुआ है कि भाई कोचिंग क्लासेस एडमिशन स्टार्टेड, ये सब लिखा हुआ है, तो क्या हम सिर्फ आपको बोले कि नहीं बाबू प्लीज राजू पढ़ने आइए ना, नहीं बाबू पुष्पा प्लीज मेरे पास पढ़ने के लिए आइए ना, बस वही ना, ऐसा तो हम किसी को नहीं बोल रहे। मतलब एडवर्टाइजमेंट कभी भी पर्सन टू पर्सन नहीं होता है। अगर फेसबुक पर हम कोई चीज पोस्ट करते हैं, वो किसी एक व्यक्ति के लिए थोड़ी पोस्ट करते हैं कि प्लीज बाबू आप ट्यूशन में मेरा पढ़ने के लिए आ जाइए। मतलब एडवर्टाइजमेंट में दो चीज याद रखना आपको, एडवर्टाइजमेंट पेड होता है,
आपको एडवर्टाइज करने के लिए पेमेंट करना पड़ता है, और दूसरा आपको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए नॉन पर्सनल फॉर्म यूज करना पड़ता है। नॉन पर्सनल मतलब इट इज नॉट पर्सनल, पर्सनल मतलब ये वन टू वन नहीं होता है कि आप कस्टमर के पास जाएंगे, कस्टमर के पास बैठेंगे, कस्टमर से बात करेंगे और कस्टमर को सामान बेच देंगे, ऐसा ये नहीं होता है। तो एडवर्टाइजमेंट इज द पेड एंड नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटिंग अबाउट द प्रोडक्ट। जब आप प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट में प्रोडक्ट के बारे में हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं, ये एक नॉन पर्सनल तरीका होता है प्रोडक्ट के बारे में बताने का। देखिए पढ़ते क्या क्या लिखा नोट्स में, आई नोट्स वाला पॉइंट देखिए। Advertisement can be defined as a paid form of non-personal presentation and of promotion of idea of good service by the identified sponsor। मतलब किसी एक specific person के द्वारा या किसी एक specific company के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अपना product का advertisement करवाते हैं, और वो जो advertisement होता है वो paid होता है। Paid होता है मतलब, paid का मतलब होता है कि आपको advertisement करवाने के लिए पैसा देना पड़ता है। YouTube में ही आप देखोगे ना बहुत सारे companies का या कोई भी बहुत सारे videos जब आप देखोगे तो देखोगे video देखते देखते ad रहता है। तो आपको पता है जब YouTube में वीडियो देखते देखते ऐड आने लगेगा ना, मतलब आप समझ जाना कि उसका हम पैसा ले रहे। अगर हमारा वीडियो देखते देखते ऐड आने लग गया तो आप समझ लेना कि उस वीडियो के बदले, उस ऐड के बदले हमको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है दोस्त। तो एडवर्टाइजमेंट हमेशा पेड होता है, एडवर्टाइजमेंट हमेशा नॉन पर्सनल होता है। नॉन पर्सनल मतलब इम्पर्सनल, इम्पर्सनल मतलब ये किसी एक पर्सन से दूसरा पर्सन का नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आलिया भट्ट अगर टीवी पे बोल रही है तो सिर्फ आपको नहीं बोल रही है, अक्षय कुमार अगर कुछ बोल रहे तो वो सिर्फ आपको नहीं बोल रहे, रामदेव बाबा अगर पतंजलि का प्रोडक्ट लेकर आ रहे वो सिर्फ आपको नहीं बोल रहे। चलिए अब एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन वी कैन फाइंड थ्री डिस्टिंक्ट फीचर, तीन यूनिक बात निकला हमको। पहला बात पेड फॉर्म, पेड फॉर्म मतलब फॉर एवरी एडवर्टाइजमेंट यू हैव टू पे द मनी। दूसरा इनपर्सनल, इनपर्सनल मतलब इट डज नॉट एस्टैब्लिश द पर्सनल रिलेशनशिप, एडवर्टाइजमेंट में कभी भी पर्सनल रिलेशनशिप नहीं बनता है। और तीसरा आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, एडवर्टाइजमेंट इज गिवन बाय आइडेंटिफाइड कंपनी और फर्म और इंडिविजुअल। मतलब क्या हो गया कि एडवर्टाइजमेंट क्या है, तो एडवर्टाइजमेंट एक पेड तरीका है। एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव में पूछेगा एडवर्टाइजमेंट इज पेड और नॉन पेड, तो बोलेगा पेड। फिर बोलेगा एडवर्टाइजमेंट इज पर्सनल और इंपर्सनल, तो बोलेगा इंपर्सनल। और उसके बाद देखिए एडवर्टाइजमेंट जो है वो पेड तरीका है, एडवर्टाइजमेंट जो है वो इंपर्सनल तरीका है, और एडवर्टाइजमेंट जो है वो किसी ना किसी स्पेसिफिक कंपनी के द्वारा हम कराते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट एक प्रोसेस है जहां पर हम लोग पैसा दे करके अपने प्रोडक्ट के बारे में किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवाते हैं, या किसी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा हम लोग अपना प्रोडक्ट को प्रमोट कराते हैं, प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बताते हैं, कस्टमर को अवेयर करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। याद रखिएगा एडवर्टाइजमेंट पेड होता है मतलब पैसा देना पड़ता है, और एडवर्टाइजमेंट इम्पर्सनल होता है। अब भाई उसके आगे एडवर्टाइजमेंट का क्या क्या विशेषता है, अगला टॉपिक है फीचर्स। देखिए फीचर्स बोलिए या फिर एडवांटेज बोलिए, फीचर्स पूछेगा तो यही लिखिएगा, एडवांटेज पूछेगा तो यही लिखिएगा, अब मेरिट पूछेगा तो यही लिखिएगा कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, सेम पॉइंट। फीचर्स एडवर्टाइजिंग, सेम पॉइंट। या एडवांटेज, एडवर्टाइजमेंट करने से क्या मिलेगा। आप सोचते हो कि भैया आप जो टीवी के स्क्रीन पर आलिया भट्ट, ऋतिक रोशन, सलमान खान, ये लोग जो एडवर्टाइज करते हैं इससे फायदा क्या होता होगा कंपनी को, तो वो फायदा के बारे में आपको पढ़ाने जा रहे, देख लीजिए हेडिंग में लिखा हुआ फीचर्स एडवांटेज और मेरिट आप उसको बोल सकते हो। पहला रिच, आर ई ए सी एच, रिच। सर रिच मतलब, यहाँ पे रिच का मतलब होता है, देखिए एक एडवर्टाइजमेंट का रिच बहुत ज्यादा होता है। रिच मतलब कोई भी एडवर्टाइजमेंट करोड़ों करोड़ों लोगों तक पहुंच पाता है। अगर आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट को टीवी के स्क्रीन पर ठीक से देखेंगे तो वो एडवर्टाइजमेंट सिर्फ आप नहीं देख रहे हो, इसलिए तो हम बोले थे कि ये इंपर्सनल होता है। टीवी के स्क्रीन पर जो एडवर्टाइजमेंट आता है वो करोड़ों करोड़ों लोगों के तक पहुंचता है, मतलब इसका रिच बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत ज्यादा लोगों को कवर कर पाता है। एक मान लीजिए मॉडल ब्रिज के पास अगर हम कोचिंग का कोई पोस्टर मार देंगे, वो पोस्टर एक दो आदमी नहीं देखेगा, लाखों लाखों लोग देखेंगे, हर वो इंसान देखेगा जो रोज उस रास्ते से आएगा और जाएगा। देखिए पढ़ते हैं, एडवर्टाइजिंग कैन रीच अ लार्ज मार्केट एज दो वेरियस मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग देयर इज बेनिफिट ऑफ मास रीच। मास रीच मतलब बहुत लोग होता है। फॉर एग्जाम्पल एनी मैसेज गिवन ऑन ऑल इंडिया रेडियो और टीवी कैन रीच इन डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री वेयर एवर टीवी एंड रेडियो नेटवर्क इज अवेलेबल। अगर टीवी में कुछ देंगे तो हर वो आदमी उसको देख पाएगा जिसके पास टीवी है। अगर हम रेडियो में कुछ ऐड देंगे तो वो हर एक आदमी देख पाएगा जिसके पास रेडियो है। दूसरा चॉइस, देखिए एडवर्टाइजमेंट देखने से ना लोगों को चॉइस मिलता है। चॉइस क्यों मिलता है, आप टीवी पे पांच तरह का एडवर्टाइजमेंट देखे, पांच तरह का फेस वॉश के बारे में आप देखे, तो आपको एक ऑप्शन मिला कि भाई हम गार्नियर का फेस वॉश भी यूज कर सकते हैं, हम पॉन्ड्स का फेस वॉश भी यूज कर सकते हैं, हम विवेल का फेस वॉश भी यूज कर सकते हैं। ये आपको कैसे पता चला, ये आपको पता चला टीवी देखने के बाद। नहीं तो अगर मान लीजिए टीवी पे नहीं आता, अगर टीवी पे एक ही आता है आपको यही फेस वॉश मिलता होगा मार्केट में, बट टीवी पे जब आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स को देखते हो, मल्टीपल प्रोडक्ट्स को देखते हो, तो आपके पास एक बहुत सारा ऑप्शन आता है।
ये सारा फायदा है एडवर्टाइजमेंट का. देयर इज अ वाइड वैरायटी ऑफ मीडिया अवेलेबल फॉर एडवर्टाइजिंग फॉर वीडियो ऑडियो विजुअल ऑडियो प्रिंट एक्सेट्रा अंडर ईच कैटेगरी लार्ज वैरायटी इज अवेलेबल फॉर एग्जांपल इन प्रिंट मीडिया वी कैन सेलेक्ट फ्रॉम मैगजीन्स न्यूज़पेपर. अच्छा देखिए कस्टमर का एडवांटेज क्या हो गया. कस्टमर का एडवांटेज तो ये हो गया कि कस्टमर को भी चॉइस मिला. और दूसरा बिजनेसमैन का क्या एडवांटेज है क्योंकि तो बिजनेसमैन के हिसाब से सोचो तो देखिए बिजनेसमैन का एडवांटेज क्या है. अगर हम एक बिजनेसमैन हैं और हमको एडवर्टाइज करना है तो एडवर्टाइजमेंट के लिए आजकल बहुत मीडिया है. बहुत मीडिया मतलब प्रिंट मीडिया है सोशल मीडिया है बस समझ लेना प्रिंट मीडिया है सोशल मीडिया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है. सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब रेडियो टीवी. रेडियो में भी बहुत सारा चैनल है टीवी में भी बहुत सारा चैनल है. प्रिंट मीडिया में मैगजीन है न्यूज़पेपर है बहुत सारा चीज है. और आजकल सोशल मीडिया भी चलता है फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम टिकटॉक इन सब चीजों में भी ऐड होता है. देखिए पढ़ते हैं. देयर इज अ वाइड वैरायटी ऑफ मीडिया अवेलेबल फॉर एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत सारा मीडियम है. वीडियो है ऑडियो है विजुअल ऑडियो है प्रिंट मीडिया है. अंडर ईच कैटेगरी लार्ज वैरायटी इज अवेलेबल फॉर एग्जांपल इन प्रिंट मीडिया वी कैन सेलेक्ट फ्रॉम मैगजीन न्यूज़पेपर बैनर मारिए न्यूज़पेपर मैगजीन ये सब. दिस वैरायटी और चॉइस हेल्प द मार्केटर टू सेलेक्ट द मीडिया कीपिंग इन माइंड द टारगेट कस्टमर. आपका कस्टमर क्या है आपके कस्टमर कैसे. अगर हम जानते हैं कि मेरे स्टूडेंट लोग फेसबुक पर है तभी हम फेसबुक पर अगर एडवर्टाइज देंगे तो हम तक पहुंचे. अगर हम जानते हैं कि मेरे स्टूडेंट लोग सनमार्क का पेपर पढ़ते हैं तो अगर हम सनमार्क में एडवर्टाइजमेंट देंगे तभी हम तक पहुंचेगा. तो एक बिजनेसमैन को एडवर्टाइजमेंट करने से बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है कि वो कहां पे अपना एडवर्टाइजमेंट करे. तीसरा पॉइंट देखिए तीसरा है लेटी मेसी मतलब देखिए जब कोई भी प्रोडक्ट टीवी के स्क्रीन पर आता है तो कस्टमर को एक ट्रस्ट होता है. कस्टमर को लगता है कि हाँ अगर ये सामान टीवी के स्क्रीन पर आया है अगर ये सामान का एडवर्टाइजमेंट अमिताभ बच्चन कर रहे हैं अगर ये सामान का एडवर्टाइजमेंट शाहरुख खान कर रहे हैं तो वो सामान अच्छा होगा. लोगों को ऐसा लगता है लोगों के अंदर ये ट्रस्ट फैक्टर होता है. एडवर्टाइजमेंट का फायदा ये है देखिए इन एडवर्टाइजमेंट द मैसेज रिगार्डिंग द प्रोडक्ट और सर्विस आर गिवन पब्लिकली टू द कस्टमर्स सो देयर इज ऑलवेज अ प्रूफ फॉर इट एंड द कस्टमर बिलीव दैट पब्लिकली द कंपनी विल नॉट गिव फॉल्स इंफॉर्मेशन. और पब्लिक को ऐसा लगता है कि शाहरुख खान तो बहुत अच्छा इंसान है वो कभी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देगा. सचिन तेंदुलकर अगर कोई प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करा तो वो कभी गलत नहीं बोलेगा. लोगों के अंदर एक विश्वास होता है इसको लेटिमेसी बोलते हैं. The customer feel comfortable to buy a product which is widely advertised. हर एक कस्टमर को वो सामान ज्यादा पसंद होता है जो टीवी के स्क्रीन पर आता है जो टीवी में एडवर्टाइज होता है क्योंकि लोगों को भरोसा होता है ये सलमान खान बोले थे तब ये सामान खरीदेंगे. चौथा पॉइंट देखिए एक्सप्रेसिवनेस. देखिए एक्सप्रेसिवनेस मतलब एडवर्टाइजमेंट में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू प्रोडक्ट के बारे में बताना बहुत आसान होता है. जैसे आप देखोगे सर्फ एक्सेल का जो एडवर्टाइजमेंट आता है टीवी में तो सर्फ एक्सेल का एडवर्टाइजमेंट कैसा आता है कि बच्चा रहेगा वो बच्चा क्या करेगा खूब खेलेगा ग्राउंड में खूब खेलेगा छोटा सा क्यूट सा बच्चा रहेगा वो ग्राउंड में जाएगा खूब खेलेगा फुटबॉल खेलेगा. खेलने के बाद उसका कपड़ा पूरा गंदा सारा कपड़ा पूरा गंदा हो जाएगा. वो बच्चा सैड होकर के घर में आएगा और आकर के अपना माता जी को कहेगा मुंह लटका के खड़ा रहेगा. उसकी मम्मी उसको क्या कहेगी दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे. व्हाट डज इट मीन. अब आप सोचिए इतना सुंदर तरीका से आप किसी चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं तो लोगों का मन तो अट्रैक्ट हो गया ना. एक क्यूट सा बच्चा एक रास्ता में कुत्ता पड़ा हुआ है बीमार पड़ा हुआ है उसको ठीक कर देता है उसका कपड़ा पूरा खराब हो जाता है वो बच्चा चुप से आकर के घर में खड़ा हो जाता है उसकी माँ उसको कहती है कि दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे है मतलब सर्फ एक्सेल. तो सर ये क्या है ये इसको बोलते हैं एक्सप्रेसिवनेस. एक्सप्रेसिवनेस मतलब एडवर्टाइजमेंट में एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत अच्छा होता है. बहुत ही अलग अलग तरीके से ड्रामा के सेंस में या मान लीजिए कुछ फिल्म के स्टाइल में उसको एडवर्टाइज किया जा सकता है प्रोडक्ट के बारे में बताया जा सकता है. तो इस तो कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं एडवर्टाइज करने से. एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड्स इनफ अपॉर्चुनिटी टू मार्केटर टू ड्रामेटाइज द मैसेज विद द हेल्प ऑफ ड्रॉइंग कलर पिक्चर म्यूजिक डांस. दे कैन इजिली एक्सप्रेस द यूज ऑफ प्रोडक्ट थ्रू द वेरियस टेक्निक एंड कैन एड मल्टी मीडिया इफेक्ट ऑल्सो. टीवी में जब कोई चीज देखी उसमें बहुत सारा इफेक्ट इफेक्ट मार करके उसको इतना अच्छा से प्रेजेंट किया गया कि लोग उसको बहुत पसंद करते हैं. अच्छा उसके बाद देखिए इकोनॉमी का मतलब एडवांटेज. इकोनॉमी का मतलब होता है कॉस्ट कटिंग मतलब पैसा बहुत एक हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट में बहुत पैसा बेनिफिट होता है बहुत ज्यादा ही इकोनॉमिकल होता है बहुत ज्यादा ही बेनिफिशियल होता है. बेनिफिशियल क्यों होता है आपको बताते हैं. अब आप सोचेंगे मान लीजिए देखिए पांच करोड़ रुपया मान लीजिए हम अक्षय कुमार को दिए एक प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करने के लिए तो आप सोचेंगे भैया 5 करोड़ रुपया कम कैसे हुआ. अब इसका बेनिफिट देखिए अगर 5 करोड़ रुपया दे करके और मान लीजिए टीवी चैनल वालों को 5 करोड़ दिए
दोनों पूरा देख करके मान लीजिए टोटल 10 करोड़ खर्चा करके हम अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज किए, 10 करोड़ खर्चा करके हम अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज किए, और मान लीजिए अगर ये 10 करोड़ रुपया खर्चा करके मेरा जो प्रोडक्ट है वो 20 करोड़ लोगों तक पहुंच गया, तो एक आदमी के ऊपर अगर आप हिसाब निकालेंगे तो मेरा खर्चा कितना हुआ 10 करोड़, और हमको बेनिफिट कितना मिला 20 करोड़, तो एक आदमी के ऊपर सिर्फ 50 पैसा पड़ा। मतलब क्या, अगर अपना प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको एडवर्टाइज कराना पड़ता है तो आप ये मत सोचिए कि एडवर्टाइजमेंट महंगा है, आप ये सोचिए कि हर एक एडवर्टाइजमेंट का बहुत बेनिफिट है। अगर वो एडवर्टाइजमेंट करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है तो आपको हमने एग्जांपल दिया, एक टीवी पे एडवर्टाइज कराने में हमको 10 करोड़ खर्चा होगा और उस 20 करोड़ लोगों तक अगर वो पहुंच गया तो एक आदमी पे कितना पड़ेगा 50 पैसा, सिर्फ 50 पैसा। ये है एडवर्टाइजमेंट का फायदा। देखिए पढ़ते क्या लिखा हुआ, इट इज ऑलवेज फेल्ट दैट एडवर्टाइजिंग इंक्रीज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, बट एडवर्टाइजिंग इज कंसीडर्ड इकोनॉमिकल एज कंपेयर्ड टू अदर प्रमोशनल टेक्निक। लोग कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट महंगा है, बट एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट सस्ता है क्योंकि इसका बेनिफिट बहुत बड़ा होता है, बिकॉज इट रीचेस मासेस, मासेस मतलब बहुत ज्यादा, एंड इफ इट यू कैलकुलेट कॉस्ट पर कस्टमर इट इज वेरी लो। अगर हर एक कस्टमर के हिसाब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बहुत कम होगा। अगर 50 करोड़ लोगों तक पहुंच गया तो 140 करोड़ आबादी है दोस्त हमारे देश का, तो अगर 50 करोड़ लोगों तक पहुंच गया तो और कम हो जाएगा। मतलब क्या है कि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा देखने में बड़ा लगता है, अगर ये बहुत लोगों तक पहुंच गया तो पर पर्सन खर्चा बहुत कम पड़ जाएगा। एक पॉइंट आपको और आज और पढ़ाएंगे, एक टेस्ट भी देना है और फिर ये लंबा लंबा पॉइंट आपको रीडिंग भी करना है। इनहांस कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस। देखिए कस्टमर को ना कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है एडवर्टाइजमेंट देखने से, कस्टमर के अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि बहुत बार आप देखते होंगे अगर मान लीजिए जो फेस वॉश आप यूज कर रहे हो या जो काजल आप लगा रहे हो या जो साबुन आप यूज कर रहे हो, उसी चीज का एडवर्टाइजमेंट अगर टीवी के स्क्रीन पर आता था, आप क्या बोलते, देखिए देखिए मेरा वाला प्रोडक्ट है, क्यों, लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। देखिए क्या लिखा हुआ, कस्टमर फील मोर अश्योर्ड अबाउट द क्वालिटी, लोगों को क्वालिटी के बारे में विश्वास हो जाता है, एंड फील मोर कंफर्टेबल इफ स्पॉन्सर्स क्लेम दिस बेनिफिट इन एडवर्टाइजमेंट। अगर टीवी में एडवर्टाइज दिखाने वाला कुछ बेनिफिट बताता है तो लोगों को विश्वास उस पर ज्यादा हो जाता है। ये सारे एडवर्टाइजमेंट के फायदा थे जो हम लोग आज पढ़े हैं, आज हम लोग यहाँ तक किए हैं। आपका क्लास कंप्लीट होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस दे देना, एंड अटेंडेंस देने के बाद आप पहले इसको रीडिंग करिएगा, वर्ड टू वर्ड रीडिंग करिएगा, और जो भी पॉइंट में कंफ्यूजन होगा व्हाट्सएप पे हमसे पूछिएगा, फिर आप टेस्ट का प्रिपरेशन करिएगा और फिर सब लोग 8 बजे से टेस्ट शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।